आपका जो इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस कोर्स है उसके अंदर जो डिफरेंट टूल्स टेक्नोलॉजीज अराउंड बिग डाटा उनको हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें से एक और चीज़ वेरी वेरी इफेक्टिव टूल वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस टूल का नाम तो मैं पिछले कुछ मॉड्यूल से आपने सुना होगा जेसोन जेसोन क्या चीज़ है ये किस तरह से आपके लिए हेल्प कर सकती है किस तरह से इसको इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है विद इन डिवेलपमेंट विद इन योर डेटा साइंस रोल या एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इट इट इज़ वेरी वेरी वर्सटाइल टूल कि इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी अगेन इट विल डिपेंड आप ये बार बार सुनते होंगे इट विल डिपेंड क्योंकि एवरी थिंग इज़ यू नो रिलेटिव टू समोलेशन में अगर आप किसी भी चीज़ को अंडरस्टेंड करेंगे दैट इज़ गुड टू डिवेल्प अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकिन जैसे ही आप उसको अप्लाई करने जाएंगे ना दुनिया में प्रैक्टिकली then you have to have, you know, the relative exposure, the understanding, is liye, is chizko, even in practical life, mein, jab aap jayenge, and you will realize that bhopal gang is a customer capacity business it will depend on the quality of the data. it will depend on the availability of the data and something like this. so this is something which you will be used to, hopefully, in the coming years. और मे वी अर्ली लाइफ ऑफ योर प्रैक्टिकल कैरियर अच्छा ये बेसिकली जावा स्क्रिप्ट की ही एक एवोल्यूशन है जैसे मैं बता रहा था आपको कि डिफरेंट चीज़ें वो एवॉल्व होती हैं वक्त के साथ साथ और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आपकी इवॉल्व हो रही हैं तो इसी तरह जावा स्क्रिप्ट जो है दैट इज़ समथिंग जैसे मैं बता रहा था ना आपको कि बेसिक थी फिर विजुअल बेसिक बनी फिर जावा स्क्रिप्ट आया विजुअल स्टूडियो था अब वो चीज़ें इवॉल्व होके डिफ़रेंट फ्रेमवर्क्स बन गए जावास्क्रिप्ट के तो जो जावास्क्रिप्ट है इसके काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स हैं ई एस टी जे एस है एम सी है, है और भी काफ़ी सारे होंगे तो वंस यू इंशाल्लाह गेट टाइम आप इन चीज़ों को भी देखें और अब हो सकता है आप डॉट डेट पर काम करें हो सकता है आप जावा पे करें हो सकता है आप सिर्फ पाइथन पे स्ट्रिक्ट रहें तो ये अगेन इट विल डिपेंड तो अब ये जो जैसॉन है ये जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट नोटेशन है आप लोगों ने होपफुली यू विल यू माइट हैव स्टडीड और यू विल स्टडी समथिंग कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो थी ना ये एक मेजर या जिसे कह रहे हैं पैराडाम पैराडाइम शिफ्ट था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर उससे पहले आप बहुत सारे जो कोड्स थे उनको आपको बार बार लिखना पड़ता था या आपको वो रूटीन्स कॉल करनी पड़ती थी उसके बाद क्या हो कि जब ये इंट्रोड्यूस हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो वो जो आपका जो सॉफ्टवेयर के कोड थे दे वर कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और आप उस ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं और उसको री कर सकते हैं बार बार दैट वाज अ मेजर डेवलपमेंट एक अचीवमेंट थी विद इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग तो ये उसी की अब एक्सटेंशन है कि अब ये जावा के ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड जयसॉन अब इसके ये है कि ये जो वन ऑफ़ द बेस्ट फीचर ये बहुत लाइट वेट है इसके अंदर बहुत कम कोड लिखना पड़ता है आपको मे बी एज कंपेयर टू गलबन एक्स एम एल या जो दूसरे ये वहाँ पर अगर आपको सौ लाइने कोड की लिखनी पड़ती तो या आपका साठ सत्तर लाइनों से या मे बी उससे कम ये देखिए ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी स्मार्ट प्रोग्रामिंग करते हैं जो बड़े स्मार्ट आ, 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 अच्छा कुछ और चीज़ें भी आ गई इस वक्त मार्केट में लो कोड नो कोड ज़ीरो कोड इस तरह के कॉन्सेप्ट भी आ गए हैं बट ऑल दीज थिंग्स यू विल लर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम तो ये बेसिकली अब ऑपरेटिंग सिस्टम से आप डेफिनेटली अवेयर होंगे कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम था यूनिक्स फ़र्ज़ करें उसके अंदर दस हज़ार लाइनों का कोड था जो कि यूनिक्स के लिए काम करता था एक और स्मार्ट आदमी आया इंटेलिजेंट पर्सन उसने लिनक्स इंट्रोड्यूस करवाया लिनिक्स जो है इट इज़ इट इज़ मच मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू यूनिक्स और ये जो है ओपन सोर्स है फिर तो यू नो और इसकी जो अगर वो दस हज़ार लाइने थी कोड की तो ये पाँच या चार हज़ार कोड की लानम वही काम करता है इसका मतलब ये कि जब आपका कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है देखें आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो अपनी जो जितनी लाइन्स का कोड है वो उसको सारे को पढ़ के फिर कोई ना कोई फंक्शन करता है ना परफॉर्म तो अगर आपने दस हज़ार मील दूर जाना और पाँच हज़ार मील दूर जाना है इट विल यू नो इजी टू इट्स नो ब्रेनर के कौन सी चीज़ एफिशेंट है तो जय सोन इज वेरी वेरी इफेक्टिव इन दिस रिगार्ड फिर ये जो इसके ऑब्जेक्ट हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जयसोन है बेसिकली ये आपके ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट नोटेशन है और ये डिफरेंट जो आपकी लैंग्वेज हैं सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट की उनमें ये यूज होते हैं हो सकते हैं इट इज़ इट इज़ शॉर्ट ऑफ एन ओपन सोर्स और इतना फ्लेक्सिबल है कि आप इसको पी में करें जावा में करें सी प्लस प्लस में करें और किसी और में भी आप आई थिंक देर इज़ नो लिमिटेशन मोस्ट ऑफ द मॉडर्न आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज़ है ये जावा ये जो आपका जैसोन है ये उनके साथ कंपेटेबल है और आप इसके जो जैसोन की जो कोड है या इसका जो उसको उसके साथ यूज़ कर सकते हैं सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जैसे मैंने कहा था ना जैसे एक्सएमएल है या विंडो सर्विसज़ होती हैं एक्स एम एल की सर्विस है इस इसी तरह ये भी एक तरह की सर्विस है और इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी लेयर पे यूज़ कर सकते हैं ये भी एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट इसके अंदर आस्पेक्ट है और फिर ये कि ये इसके अंदर भी आप डाटा भी स्टोर कर सकते हैं जैसे एक्स एम एल में कर सकते हैं इसी तरह जैसोन में भी कर सकते हैं और ये दैट इज़ हो इट इज़ मोर इफेक्टिव और ये बड़ा लीथल किस्म के जो आपके वेपन्स होते हैं ना ये जैसोन इज़ वन ऑफ देम फिर इसके अंदर ये है कि ये हमने देखा कि उसका हम कंपेरिजन नेचुरली यू कंपेयर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज भी दीजिए जर कि एक्स एम एल और इसमें कि वो भी लाइट वेट था फास्ट था ये भी लाइट वेट है फास्ट है लेकिन इट हैज़ मोर पावरफुल इट इज़ मोर पावरफुल दैन एक्स एम एल क्योंकि ये स्कीमा को भी सपोर्ट करता है स्कीमा आपसे हमने मे बी इन जियो डेटा बेसज कोर्सेज आप अंडरस्टैंड करेंगे स्कीमा बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज़ को स्टोर करने का वो दैट इज़ कॉल्ड स्कीमा एक तो आपका टैबुलर फॉर्मेट स्कीम है ना उसके अलावा और भी वो स्कीमज़ होते हैं डिफरेंट ये अगर आप अपना टेलीकॉम का डाटा देखें इसके अंदर डिफरेंट स्कीम होते हैं उनके अपने अपने नाम हैं सी डी आर है, है ये जो आपका कस्टमर ये जो आप कॉलिंग करते हैं ना मोबाइल फ़ोन पर तो उसका जो रिकॉर्ड जनरेट होता है दैट इज़ कॉल्ड अ सी डी आर उसकी एक अपनी फॉर्मेट या एक उसका एक अपना स्कीमा होता है इसी तरह आपके जो डिफरेंट बैंकिंग में और डिफरेंट जो जो पेमेंट कार्ड के हर एक के अपने स्कीमज होते हैं तो ये उनको काफ़ी सपोर्ट करता है डिफरेंट स्कीमज़ को जो भी आपका स्कीमा होगा यू कैन अलाइन इट विद योर जैसा फिर ये जो आपके डिफरेंट ब्राउज़र है ब्राउज़र कम्पेटिबिलिटी में इशू नहीं आता आप जैसे आप करेंगे ना काम तो समाइम आप देखेंगे कि आप जो कोड लिखते हैं फर्ज कर एक कोड आपने पी एच पी में लिखा है एक आपने जावा स्क्रिप्ट में लिखा है अभी दो तीन मेजर ब्राउज़र रह गए हैं दुनिया में कि गूगल है गूगल क्रोम है या माइक्रोसॉफ्ट एज है एक आध कोई और भी होगा इसके अपना अगर आप एप्पल की बात करें तो उनका अपना सफारी के नाम से ब्राउज़र है तो जो क्योंकि अब आज जितनी एप्प्लीकेशन बन रही हैं एवरी थिंग इज़ बेसिकली वेब बेस्ड हर एप्लीकेशन वेब बेस्ड है ठीक है बेशक वो आपके इंटरनेट पर चलती है वो आप इंटरनेट पर पब्लिक के लिए अवेलेबल है वो ब्राउज़र बेस्ड है तो ब्राउज़र के साथ जो कम्पेटिबिलिटी है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसके अंदर ये बिल्ट इन फीचर है कि आपके जितने मेजर ये जो तीन ब्राउज़र मैंने बताए हैं आपका गूगल है आपका माइक्रोसॉफ्ट है, है या एप्पल का ये जो है सफारी ये सब के साथ कम्पैटिबल है तो आपको को एक्स्ट्रा कोड लिखना नहीं पड़ता नॉर्मली ये होता है कि कोई और जब आप कोडिंग करते हैं फर्ज करेंगे एक्सएमएल में तो आपको थोड़ा सा यू विल हैव टू मेक श्योर को फर्दर उसके अंदर दो चार लाइनों का कोड ऐड करना पड़ेगा टू डिवेलप कंपेटबिलिटी बिटवीन द डिफरेंट ब्राउज़र फिर ये भी होता है ना कि एक एप्लीकेशन है मेरी आ, आपके पास एक के पास एक ब्राउज़र है दूसरे के पास दूसरा है, तीसरे के पास तीसरा या अगर हज़ार यूज़र है मेरी एप्लीकेशन के तो उनको मैं उनके जो यूज़र हैं ब्राउज़र लेवल पे उनको मैं तीन डिफरेंट कैटेगरीज़ में कन्वर्ट कर सकता हूँ आई हैव टू मेक श्योर कि कोई भी बंदा वो आई यूज़ करे आईफोन यूज़ करे मोबाइल यूज़ करे गूगल क्रोम यूज़ करे माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करे तो उसको ये मसला ना आए कि मेरी जो एप्लीकेशन है उसके लिए काम ना कर सके तो जैसॉन उसको भी सपोर्ट कर एंड देर आर मैनी अदर बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग जैसॉन इसका जो वन ऑफ द मेजर एडवांटेज है ना वो है डेटा हमने ये जैसे अभी मैंने एक आपको एग्जांपल दी कि एक यूज़र से दूसरे यूज़र के पास अगर ब्राउज़र फ़र्क है तो इट ये उसको सपोर्ट करता है लेकिन उसी टाइम पे अगर देखें कि हमने ये भी बात की थी डेटा इंटीग्रेशन की या डेटा इंजेशन की या ई की एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोडिंग की कि जब आप किसी सोर्स सिस्टम से डाटा लेके आते हैं अपने डाटा वेयर हाउस में या डाटा लेक में या डाटा बेस में तो वो आपने उसको किस तरह से हैंडल करना है या किस तरह से आपने उसको मैनेज करना है और जेसन जो है उसमें दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट यू नो ऑप्शंस के आपके पास जो सोर्स सिस्टम से डाटा आ रहा है और फिर आप उसको जो अपने डेटा बेस में लेके जाते हैं डेटा लेक में डेटा बे और यू कैन यूज़ जेसन बेस्ड ऑब्जेक्ट्स जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर रहेगा और वो फिर आपके डाटा बेस में अवेलेबल होगा फॉर फर्दर एनालिसिस इसी तरह जब आप फ्रंट एंड से कोई अपना कम्यूनिकेट करते हैं थ्री टीयर फोर टीयर आर्किटेक्चर में तो एक्स की बजाय आप वहाँ पर भी जेसन यूज़ कर सकते हैं तो इसको जैसॉन को आप ई टी पे के लेवल पर यूज़ कर सकते हैं आप उसको ए जो इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशन या विद इन द सेम एप्लीकेशन आपको जो है ये हेल्प करेगा तो जस्ट टू कंक्लूड मेक श्योर दैट जयसॉन इज़ वन ऑफ योर एक्सपर्टीज एज इन योर डेटा साइंस एज अ डेटा साइंटिस्ट थैंक यू